शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी बच्चा चोरी के अफवाहों पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले के कसरावत तहसील के ग्राम सिंगुन में देखने को मिला, जहां शासकीय दारू दुकान के पास लोगों ने बच्चा चोरी के शक में दारू ठेके के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। शराब ठेकेदार के कर्मचारी का कहना है कि हम चार लोग बोलेरो वाहन से जा रहे थे कि कुछ लोग हमारी ओर फालिया लोहे की छड़ लेकर आए और मारपीट करने लगे। वहीं बलकवाड़ा टीआई बलदेव सिंह मुजालदा का कहना है कि ग्राम सिंगुन में शासकीय दारू दुकान के कर्मचारी फ्रेश होने बाहर गए थे, तब रसवा के कुछ लड़कों के द्वारा बच्चा चोरी की आशंका में उनके साथ पकड़ा धकड़ी की और दारू दुकान पर ले जाकर मारपीट की। बढ़ती बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते हम हर गांव जाकर लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। क्या घटना हुई? सर, अपने माल छोड़ने जा रहे थे, अपना रसवा से जाते हुए अपना मिर्जापुर रोड है ना कच्ची का, उसमें खड़े थे तो अपना फ्रेश होने के लिए गाड़ी रोक ली। मैं फ्रेश हो रहा था, दो लोग ठहर रहे थे, बाकी लोग बाइक से आए, दो लोग बैठ गए फलिया लेके, वो लोग ऊपर वार के, ये लोग बोलेरो पलटा के भागे सिंगू के तरफ, पीछे से बाइक भी दोनों गए। वहाँ जाके वो लोग दुकान के अंदर घुस गए और बोलेरो को पलटी कर दी, वो लोग दुकान का भी दरवाज़ा पहला तोड़ दिए। उसके बाद मैं घर से धीरे धीरे आ रहा था, फिर रसवे के सब इधर के मिल के पकड़ के मेरे को मारने लगे, वहाँ से मारे, फिर उसके बाद बाइक से बैठा के सिंगू ले गए। पूछे कि इसको जानते हैं, महेश भाई को जानता हूँ, सिंगू में दुकान के मालिक है, तो फिर वहाँ पे वो बुलाए तो वो ना बोल दिया, बाकी लोग फिर वहाँ जाने मारने में। कितने लोग थे मारने में? मारने में सर 250 पब्लिक थी वहाँ पे सर, दसरा में भी वहाँ पे सिंगू में। क्या नाम है आपका? राजेश भाई। कहाँ से? चंदौली। यहाँ पर क्या करते हो? यहाँ पे दारू लाइन भाटे जी की कंपनी में काम करता हूँ, दारू लाइन। अच्छा, क्या घटना हुई थी सर कल नाइट में? कल शाम को ग्राम सिंगुन में आबकारी की जो दुकान है, सास की दुकान है, उसके कर्मचारी बाहर गांव के बाहर सिंगुन के बाहर फ्रेश होने गए हुए थे और रसवा के कुछ लड़कों द्वारा उनको ये लगा कि ये बच्चा चोर घूम रहे हैं, उसी बात को लेकर उनके साथ पकड़ा धकड़ी कर रहे हैं। उसके बाद दुकान पे ले गए और वहाँ जाके उनके साथ मारपीट की। कितने लोग थे? वो करीब 15-20 की संख्या है। अभी 8 लोगों के नाम जो एफआईआर है और गिरफ्तारी वगैरह चल रही है, उसके बाद पूरा खुलासा होगा। बच्चा चोर की अफवाह के बारे में हम लोग खुद ही पूरे बीट प्रभारी और मैं स्वयं भी गांव-गांव में जाकर अफवाहों पे ध्यान न देने के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसके बाद भी ये हो रहे हैं, अगर जो पुलिस के बिना जानकारी के कानून को हाथ लेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी एक को ला रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अभी उससे पूरा क्लियर होगा कितने लोग हैं और क्या है, पूछताछ चाह रहे हैं। क्या नाम? मेरा बलदेव सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।